त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए आज चौथे दिन सरसिया स्थित प्रखंड कार्यालय में प्रत्याशियों ने अपने पद के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। सदर प्रखंड परिसर में प्रत्याशियों की काफी भीड़ देखी गई। विभिन्न पंचायतों से आए प्रत्याशियों ने जुलूस की शक्ल में अपने दमखम लोगों को दिखाया। सभी प्रत्याशियों ने अपने इलाके से जुलूस के शक्ल में नारेबाजी करते हुए सदर प्रखंड पहुंचकर अपना नामांकन पर्चा भरा और आज मुखिया पद के लिए विभिन्न पंचायतों से कुल 83 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। साथ ही मुखिया पद के लिए चार दिनों से कुल 119 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। नाम सही तक हमारे आज मुखिया पद के यहाँ पर नगर पंचायत से यहाँ पर नामांकन करने के लिए आए हैं। क्या विकास का मुद्दा है? जितने भी सरकारी योजनाएं हैं सभी को पंचायत में लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और अब काम करने का मौका हमको मिलेगा क्योंकि जेंट्स हो गया। तो निश्चित रूप से हम अभी 10 साल जो काम किए हैं, जो मुझे लगता है अंडर सेक्रेटरी में काम जो विकास का काम किया, आवास है, पेंशन है, जितना भी तरह का काम किए हैं उससे लगता है कि उससे अच्छा है। पब्लिक का उत्साह है कि फिर से अच्छा मतों से जीत गए। क्या विकास का मुद्दा रहेगा इस बार आप? हाँ, क्या विकास का मुद्दा रहेगा इस बार? आज ये पंचायत का जो पंचायत में कहीं छूटा हुआ है, जो काम कहीं छूटा हुआ है उसको पूरा करना है। किसी का आवास छूटा हुआ है, चाहे किसी को पेंशन छूटा हुआ है, या किसी गली में काम नहीं हुआ, रोड है, नाली है और कुछ इस तरह का समस्या जो भी है, जो छूटा हुआ है उसको पूरा करने का काम करेंगे। जीतने के बाद भी आगे में बहुत सारा विकास कर सकते। क्या क्या समस्या है आपका क्षेत्र? मैं अपनी पत्नी का नामांकन मुख्य उम्मीदवार के रूप में किया हूँ और मैं अपने पंचायत के जो भी समस्याएं हैं मैं उन समस्याओं का निदान करने के लिए खड़ा उतरूंगा। आज हम पिछले बार भी मैं ही मुखिया था, हमने जन मुद्दों पर काम किया है, जन समस्याओं का समाधान किया है और आगे भी हमारे साथ जनता साथ में है और मुझे पूरा विश्वास है जनता हमें पुनः फिर हमारी पत्नी को लाएंगे और हम जनता के सारे कार्यों पे हम खरा उतरेंगे। हुआ पंचायत करार बारे में मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, क्या विकास का मुद्दा रहेगा इस बार? देखिए विकास तो हम 6 वर्ष किए हैं क्षेत्र में, आज जो अधूरा विकास है वो पूरा करेंगे और जो सवाल है जनता का, जो काम हमने 6 वर्षों में किया है, जो काम अधूरा रह गया है, ये हमारे परिवार पूरा करेगा काम को, जनता की जो आकांक्षा है उसको पूरा किया जाएगा। पिंडाटन पंचायत मुखिया प्रत्याशी के रूप में मैं अपने धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी को आज मुखिया पद के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल करने हेतु दाखिल किए और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पिंडाटन पंचायत के जितने भी समस्या हैं उसको मैं समाधान करने का कोशिश करूँगा और सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उसको गरीबों तक पहुँचाने का काम करेंगे, किसानों तक पहुँचाने का काम करेंगे और मैं लगातार 5 वर्षों से तमाम पिंडाटन पंचायत के ग्रामीणों को सुविधा देने का काम करते रहे, समाजसेवी के रूप में मदद करते रहे हैं, हर समय सेवा करने के लिए तत्पर रहा हूँ और रहूँगा। मैं इतना वादा करता हूँ किसी भी समय जनता की समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर रहता हूँ और रहूँगा। कपूर मुखिया राजू रजक, मैं किसी कारणवश एक बार मैं पलक कर गया था, दोबारा जनता ने हमें याद किया है कि आपने जो काम किया है, आपने जो जनता का विश्वास दिया है वो काफ़ी सराहनीय है। हम लोग अगले इलेक्शन में किसी कारणवश आपको हम चुन नहीं पाए थे, जो आप पलक कर गए थे, लेकिन इस बार जनता ने हमें भरपूर सहयोग के साथ, मदद के साथ
आश्वासन दिया है कि इस बार आप लोग खड़ा होइए, इस बार हम लोग पूरे पतोड़ी पंचायत का जनता मिलकर के आपको मुखिया बनाएंगे और सारा विकास का काम आपको जो अधूरा पड़ा हुआ है आपको करना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि पंचायत के स्तर पर जो भी काम होगा सारा मैं अपने धरातल को उतारने का कोशिश करूंगा और अधिक से अधिक विकास करने का प्रयास करूंगा। मैं बरसाता पंचायत से महिला उम्मीदवार हूँ, मुखिया पद में हूँ। मैं अपने ग्राम का पंचायत का विकास करूंगी, युवाओं को रोजगार दूंगी, महिला समूह में रोजगार दूंगी, अपने गांव में जो जो काम अभी तक नहीं पूरा हो पाया है उसको मैं पूरा करूंगी। मैं यही सब करूंगी। मैं मुन्ना लाल निवर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत ब्रह्मपुरिया। मैंने आज मुखिया पद के लिए नामांकन किया हूँ। मैंने 7 साल का जो पंचायत ब्रह्मपुरिया लोगों को जो सेवा दिया है उस विकास के नाम पर मैं फिर से मैदान में हूँ और मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि मुझे जनता पूरा विश्वास के साथ फिर से उस कुर्सी पर बैठाएगी। इस तमाम बातों के साथ मैं अपनी पुरानी सभी ग्रामीण जनता को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हम फिर से मैं मैदान में हूँ, मुझे जीत मेरा जीत सुनिश्चित। और मैं कोशिश करूंगी, अगर मैं जीत जाऊंगी तो कोशिश करूंगी कि जितने भी मतलब सरकारी योजनाएं हैं मैं पूरी तरह मतलब करने की कोशिश करूंगी ताकि सबको लाभ मिल सके।